नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी और जेडीयू के बीच का टकराव बढ़ गया है। जेडीयू और बीजेपी के बीच की लड़ाई वो और सुलग उठी है। बीजेपी नेताओं की नाराजगी जेडीयू को लेकर बढ़ गई है। दरअसल इसकी वजह है सीएम नीतीश कुमार का एक फैसला, और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार का एक फैसला नहीं, उस फैसले पर हम बाद में आएंगे, उससे ज्यादा नाराजगी बढ़ी है। बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर जो सवाल उठाया और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर तस्वीर का इतना ही शौक है तो कोरोना से जिनकी मौतें हो रही हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट पर भी पीएम मोदी की तस्वीर होनी चाहिए, उसको लेकर बीजेपी नेता बहुत नाराज हैं। बीजेपी नेताओं के अंदर बहुत नाराजगी है, और अपनी नाराजगी जो सूत्रों के हवाले से खबर है, अपनी नाराजगी उन्होंने बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के सामने भी रखी है, और बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने भी इस नाराजगी को सही माना है। तो बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो भी नाराज है पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के बयान को लेकर, और कहीं ना कहीं इस बयान का ठीकरा बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सर पर फोड़ा जा रहा है। दरअसल एक वर्चुअल बैठक बुलाई गई थी, एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई थी बीजेपी के द्वारा, और आप जानते हैं कोरोना के इस भीषण संकट के दौर में भी डॉक्टर संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं लगातार अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, अपनी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ, जिलों के पदाधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर और पार्टी के विस्तार को लेकर लगातार वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। तो आज उन्होंने एक वर्चुअल बैठक बुलाई थी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, और इस वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 सालों के काम की चर्चा होनी थी, लेकिन बीजेपी के विधायक बीजेपी के नेता पहले से विदके हुए थे। पहले तो यह फैसला नीतीश कुमार का कि बिहार सरकार के मंत्री परिभ्रमण नहीं कर सकते लॉकडाउन की अवधि के दौरान, और दूसरी नाराजगी की वजह जीतनराम मांझी का बयान, जो जाहिर है बीजेपी के सबसे बड़े नेता जिसके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, जिसके चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ता है तमाम राज्यों में, या फिर लोकसभा चुनाव लड़ा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एनडीए की तरफ से, और उनकी तस्वीर पर एक घटक दल को आपत्ति, एनडीए के एक घटक दल को आपत्ति, पूर्व सीएम जीतनराम मांझी को आपत्ति, और जाहिर है बीजेपी को यह नागवार गुजरना था, सो गुजरा है। आज प्रदेश नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है, और एक तरह से कहा जाए तो जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के नेताओं ने साफ तौर पर प्रदेश नेतृत्व को यह कहा है कि यह नहीं चलेगा, यह बर्दाश्त के लायक नहीं है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी मांझी के इस बयान से बहुत नाराज हैं। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से भी आ रही है, पार्टी के अंदर खाने से ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। खबर यह भी है कि जिस तरह से मंत्रियों के घूमने पर रोक लगाई गई है, परिभ्रमण पर रोक लगाई गई है, उसको लेकर भी पार्टी के नेताओं ने अपनी नाराजगी प्रदेश नेतृत्व के सामने रखी है। हालांकि प्रदेश नेतृत्व ने सलाह दी है कि इसको तूल न दिया जाए, 7 दिनों की बात है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक गलियारों से, मांझी के बयान ने आग में घी का काम किया है। पहले से जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते खराब हो रहे थे, दोनों दलों के बीच टकराव बढ़ रहा था, एनडीए में घमासान था, और अब मांझी के बयान से बीजेपी के नेता बहुत नाराज हैं, और उन्होंने प्रदेश नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।